फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। टीआरपी देखने के लिए आप भी एक्साइटेड है भाई। लेकिन आपको बता दें, सारे शो की टीआरपी अच्छी नहीं आई है, बहुत गिरी भी आई है। ऐसा ही होता है भैया, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मम्मी झाड़ू चप्पल सब ले लेती है, और यहाँ तक कि मोबाइल भी ले लेती है। चलिए, टीआरपी के मारे देखने के लिए आप बेताब हैं, देख लीजिए। कोई बात नहीं, आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। rojkadrama.com साइट पर अपलोड हो गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके तीन शो की, जिसकी न्यूज़ खतरनाक आई है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके कुमकुम भाग्य की, जो जी टीवी का सबसे पुराना शो है, और एट दिस टाइम एकता का सबसे पुराना शो यही चल रहा है। ऐसे में आप दूसरी पीढ़ी देख रहे हैं, और न्यूज़ वायरल हो रही है तीसरी पीढ़ी का आपको जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। एकता की जो तीसरी पीढ़ी है, आपको जल्दी ही इसमें देखने को मिलने वाली है। कमिंग सून लिखा गया है इनके चार्ट पे, तो आप समझ सकते हैं कुमकुम की टीआरपी बढ़ नहीं रही है, इसीलिए नई पीढ़ी का इंट्रोडक्शन करा देंगे। चेहरे नहीं दिखाएंगे, बाल दिखा देंगे, और जो है टशन वशन दिखा देंगे। इतने फैन सर्च करेंगे कि तीसरी पीढ़ी में कौन कौन है, फिर जो है चेहरे के लिए ऑडिशन चल ही रहे हैं। तो भैया, अब जो है आपके कुमकुम नया तरीके से देखने को मिलेगा। अब बात आती है आपके तेरी मेरी डोरिया की। भाई, तेरी मेरी डोरिया जो है कभी जोश में चढ़ता है, कभी नीचे उतर जाता है, फिर जोश में चढ़ता है, फिर नीचे उतर जाता है। ऐसे शो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हलचल हमेशा शो में रहनी चाहिए। अगर हलचल नहीं रहेगी तो शो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में जो है आपके प्यारे विजेंद्रा उर्फ अंगद जी, जो है रवि स्टार परिवार अवार्ड के लिए शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ पे इंजर्ड हो गए भाई। क्योंकि आपको तो पता ही है कि इवेंट भी है, और फिर अवार्ड फंक्शन आपको नेक्स्ट मंथ देखने को ही मिलने वाला है, तो उसी के बीच में बेचारे इंजर्ड हो गए। और जो है उन्होंने थोड़ी ही शूटिंग की है, मे भी आपको उनके जो सीन है अवार्ड में थोड़े कम ही नज़र आएंगे, क्योंकि जो है उसके बावजूद भी वो तेरी मेरी डोरिया का प्रॉपर शूटिंग कर रहे हैं भाई। वो तो बहुत ज़रूरी है, अगर वो एपिसोड में नज़र नहीं आएंगे तो मोस्टली आप समझ सकते हैं टीआरपी डाउन हो जाएगी। एक बार को स्टार परिवार अवार्ड में थोड़ा कम नज़र आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप जल्दी से रिकवर करके अपने आप को जो है आगे की जर्नी जो है अच्छी रखें। फिर आता है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई, ये रिश्ता की न्यूज़ इतनी आ रही है कि आप कहेंगे मैम आप रिश्ता की क्लिप देते रहते हैं। भाई, जब आ रही है तो मैं दे रही हूँ, नहीं आएगी तो हम नहीं देंगे। कहते हैं ना, जब आ रही है तो ले लो भैया, क्या करें। ऐसे में जो है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता में जो है ई टाइम्स बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, या कहें बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। ऐसे में उन्होंने कहा है ये रिश्ता में हुमर हो रही है, ये सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं कि लीप आएगा, कोई लीप नहीं आएगा। उन्होंने जो है अपनी मंजरी यानी कि प्यारी जो अक्षरा की सासू माँ है, या फिर अभिमन्यु की जो माँ का रोल कर रही हैं, तो उनसे जो है उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा है शो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जहाँ पर अभी हर्षद और प्रणाली ने इस बात पर अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपकी जो है प्यारी अमेठी यानी कि प्यारी जो है आपकी मंजरी जी ने जो है बोल दिया है कि मैं तो शो में बहुत लंबा सफ़र करने वाली हूँ, और जो मुझे स्क्रिप्ट मिल रही है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई लीप नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी हटकर कहानी हो जाएगी। लेकिन जो है जो इतने बेस्ट किरदार हैं उनको क्या एकदम जाने देंगे? हर्षद प्रणाली इज़ द बेस्ट जो कास्ट है, उन्हें एकदम ऐसे थोड़ी शो से एकदम लीप दिया जाएगा, तो इसीलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आपके शो में लीप नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा ट्विस्ट ज़रूर आएंगे। तो ऐसे में इन शो में से आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट न्यूज़ कौन सी है, या फेवरेट न्यूज़ जो आपको मिल चुकी थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।